हेलो बच्चों पार्टी वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म फॉर सी प्रेप सी स्टडी कैपिटल हमारी सीरीज चल रही थी फाइव मिनट्स टू प्रो जिसमें ओनली फाइव मिनट्स में आपको टेन फैंसी फैंसी से टेन अच्छे अच्छे वो कैप के वर्ड्स मैम सिखा रही थी प्रोनाउंस करना उसकी स्पेलिंग्स अलोंग विथ इट्स मीनिंग आज है हमारा डे फोर अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार देख लो रिदम होती है ना हर चीज़ की वो अच्छे से बैठ जाएगी सो लेट अस स्टार्ट विथ आर फर्स्ट वर्ड टुडे द फर्स्ट वर्ड वी हैव टू डे इज इनकरेजिबल ऑल राइट इट्स कॉल्ड इनकरेजबल ऑल राइट एक बार स्पेलिंग देखते चलेंगे पी डी एफ आपको मिल जाएगा अगर चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में इट्स कॉल्ड इनकरेजिबल विट लिटल विच मीन्स कांट बी रिफॉर्म्ड जिस चीज को हम रिफॉर्म नहीं कर सकते आप रिफॉर्म नहीं कर सकते इन द सेंस में हम बेसिकली बिहेवियर ऑफ अ पर्सन रिजिड बिहेवियर के जो पीपल होते हैं जो अपनी सोच को अपने थॉट्स को अपने माइंडसेट को रिफॉर्म करने के लिए ही तैयार नहीं है दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड इनकरेजेबल ऑल राइट लेट एस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड ग्लिब आपने बहुत बार सुना होगा ही स्पीकिंग देंस स्मूथ टंग्लुएंटली कि भाई उसने विदाउट हिचकिचा द वर्ड वी से विदाउट हिच किचा है बिना किसी हिचकिचाहट के, के उसने बोल दिया दैट्स कॉल्ड द वर्ड लाइक स्मूथ टंग और बहुत ही ज्यादा फ्लुएंटली इस वर्ड को बेसिकली लाई के साथ एसोसिएट करके देखा जाता है दैट ही इज अ स्मूथ लायर और शी इज अ स्मूथ लायर उसी के जगह पे हम ग्लिब कर देते हैं जैसे ही और शी इज अ ग्लिप लायर ऑल राइट अस मूव फॉरवर्ड इनसिंसियर बेसिकली और शैलो आप स्मूथ बोल रहे हो आप बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोल रहे हो लेकिन आपके जो वर्ड्स हैं वो इनसिंसियर हैं अं अनट्रू हैं या फिर शेलोलाइज लाइज ऑल राइट लेट अस मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट वर्ड वी ज्यादा फैंसी फैंसी वर्ड सुनने को मिल रहे हैं ना एग्रीजियस दैट लिटरली मीन्स एक्सट्रीमली बैड जितना ज़्यादा ये फैंसी वर्ड दिखता है उसका मीनिंग उसके बिल्कुल अपोजिट है ऑल राइट right? इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड लाइक खराब से भी बहुत खराब ये वाला सीन आप सोच लो नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज रिहेबिलिटेशन आराम से प्रनाउंस करेंगे कोई शताब्दी एक्सप्रेस कोई हमें वन्य भारत एक्सप्रेस नहीं पकड़नी है आराम से करेंगे अपना टाइम लेके अपनी प्रोननसििएशन को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे ऑलराइट रिहैबिलिटेशन व्हिच लिटरली मींस रिस्टोरिंग समवनस हेल्थ किसी की हेल्थ है आप उसको रिस्टोर करें कोई बेचारा बीमार पड़ा है उसको वापस हेल्दी बना रहे हो बाय द मीन्स बाय द मीन्स ऑफ ट्रेनिंग और थेरेपी कोई ट्रेनिंग सेशन चल रहा है कोई थेरेपी चल रही है लाइक जॉइंट्स वगैरह में पेन है ऐसा कुछ आप उस इंसान को रिकवर कर रहे हो रिस्टोर कर रहे हो उनकी हेल्थ को दैट लिटरली कॉल्ड रिहेबिलिटेशन ऑल राइट वी हैव गॉट द नेक्स्ट वर्ड एन क्लॉनस और राइट right, ये भी काफी भारी भरकम सा शब्द दिख रहा है देखते हैं इसका मीनिंग क्या है इट्स मीनिंग इज नॉट सेटल्ड एज पर अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अब मैम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बोला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक तरह से बोले ना हर थिंग इन प्लेस प्रॉपर ऑर्डर जिसको बोलते हैं ये नहीं कि जिग जैग हो रखा है या ये नहीं कि अपने मन से रैंडमली आपने पुट कर दिया क्रोनोलॉजिकली मतलब प्रॉपरली ठीक है आउट ऑफ पॉप प्रपर प्लेस दैट कॉल्ड एनाक्रॉनिस जिसको हम बोलते हैं ना कि सामान इधर उधर फैलाए लाइक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है उसे बोलेंगे हम एनाक्रॉनिस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड दैट कॉल्ड क्या को फोन ही क्या को फोन ही कभी सुना है पहले मेरे को एक बार कॉमेंट करके बताना क्या को फोनी वर्ड अगर किसी ने सुना है अगर नहीं सुना है तो इसका लिटरल मीनिंग में पहले बता देती हूँ बी एच यू का जो मेन गेट है ना लंका गेट जिसको बोलते हैं आप वहाँ पे चले जाओ आपको ये चीज़ फुल एक्सपीरियंस करने को मिलेगी रश हार्स में जाना सबसे पहले सुबह दस बजे से लेके दोपहर के एक बजे तक आपको ये सिर्फ वर्ड समझ में नहीं आएगा आपको ये पूरा वर्ड फील भी हो जाएगा ऑल राइट विच लिटरली मीन्स मिक्सचर ऑफ हार्श और ला लाउड साउंड्स वहाँ पे आपको व्हीकल्स की आवाज़ आएगी आपको लोगों की आवाज़ आएगी पेशेंट्स आईएमएस भी है हमारे पास सुंदर सुंदरलाल हॉस्पिटल तो आपको हर तरह की जितनी भी लाइक नॉइज़ पोल्यूशन बोल सकते हैं व्हीकल्स जा रही हैं स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं पेशेंट्स हैं आ, तो ये वाली चीज़ आपको सिर्फ देखने या पढ़ने को नहीं आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी तो इसीलिए बोल रही हूँ बच्चा पार्टी अच्छे से पढ़ लो और अगर बी टारगेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे आके फिर वो चीज एक्सपीरियंस भी कर सकते हो अच्छे से ठीक है द द वर्ड वर्ड इज कॉल्ड कैकोफोनी नाउ वी हैव गॉट नेक्स्ट इनवर्टरेट अब मैम ये क्या बला है अब एक से बढ़ एक भारी भरकम वर्ड लेके आ रहे हो और बोल रहे हो कि इसको याद करना है बच्चा धीरे धीरे याद होता है रिवाइज करते रहो बार बार रिवाइज करते रहो आज जैसे मैंने एक क्लास आपको दे दी आप उसको आज बैठो देखो लेक्चर के नोट्स अगर आपको मिल रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेल एंड गुड है खुद के लिए के नोट्स बनाया करो आपके लिए ज्यादा एफिशिएंट रहेगा एग्जाम टाइम में आप कहाँ पीडीएफ ढूंढते फिरोगे अपने पीसी में कि अरे यार ये वाला पीडीएफ था वो वाला पीडीएफ था मैं बोलूंगी प्रॉपर एक नोटबुक लो उसमें नोट्स बनाओ खुद प्रैक्टिस करो रिवाइज करो क्योंकि वो क्या ऐसा पोर्शन नहीं है जो एक दिन में आप खत्म कर दोगे ओके वापस आते हैं कंटेंट पे इनवरेटेड जिसका मतलब होता है हैबिट दैट्स अनलाइकली टू चेंज बेसिकली जिसको बोलते हैं ना आदत से मजबूर वो वाला सीन चलता है बेसिकली एक मीम रेफरेंस भी इसमें थी जो कि अभी ट्रेंड कर रही थी कि आ, एक प्राइमरी स्कूल के किसी बच्चे का इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग जो आ, जिसकी मीम काफी ज्यादा ये लाइन काफी ज्यादा वायरल गई थी कि ये तो हैबिट है वो बिहार वाली जो एक्सेंट आती है ये तो हैबिट है तो वो वाली रेफरेंस लेके आप इस वर्ड को और प्रॉपर समझ सकते हो नेक्स्ट वर्ड वी हैव हाँ गॉट इज ओमनीशियंट भाई मैम आप बहुत हो गए आप बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्द हमें पढ़ा रहे हो अरे भाई एक दो शब्द हैं बाकी तो फिर अच्छे अच्छे ही हैं ओमनीशियंट ऑल नोइंग जो सर्वज्ञता है उसको सब पता है उसको हर चीज की नॉलेज है उसको सब पता है आ, उसको बोलेंगे सर्वज्ञता जो हम हिंदी में बोलते हैं उसी को बोलेंगे ओमनीशियंट स्पेलिंग देखते चलो मैं वापस से बोल रही हूँ रिवाइज करना है इसको ऐसा नहीं है एक बार पढ़ लिया बस काम खत्म द नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉड इज एम्पैथी अब मैम एम्पैथी हमने सुना तो है सिंपैथी एम्पैथी सिंपैथी एम्पैथी सुना तो है सुना सुना लग रहा है इट लिटरली मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स अब जो दूसरे लोग हैं ना उनकी फीलिंग्स उनके इमोशंस को अगर आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो इफ यू आर अ गुड लिसनर ये भी क्वालिटी होती है लाइक इफ़ यू हैव एम्पथी टुवर्ड्स अदर्स ना लाइक इफ यू हैव एम्पथी सो ऐसा भी होता है कि आप दूसरों के लिए बहुत अच्छे लिसनर होते हो वो लोग आपसे आप, आप बहुत सारी अपनी ऐसी पर्सनल चीजें होती हैं जो शेयर कर सकते हैं सो दैट्स द कॉल क्वालिटी ऑफ एम्पथी लास्ट वर्ड हमारे पास आ गया सेशन का दैट्स कॉल्ड हॉस्टिलिटी कभी ना कभी तो सुना होगा ये झूठ नहीं बोलना है कि मैम ये भी बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड है ये कभी नहीं सुना है और राइट हॉस्टिलिटी विच लिटरली मीन्स अनफ्रेंडलीनेस जो अनफ्रेंडली पीपल होते हैं जिन्हें सोशलाइज नहीं करना होता है वैसे तो किसी को जज नहीं करना लेकिन बहुत लोग होते हैं कि अगर आप उनको सामने से से भी अप्रोच करो, that, काम से ही अप्रोच करो करो दैट काम ही कि लाइक like, हमें ऐसे हमारी क्वेरी है या समथिंग है तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा होता है अनफ्रेंडली लेकिन वो भी चीज़ है कि हमें नहीं पता सामने वाले बंदे की कंडीशन क्या चल रही है उसकी मेंटल स्टेट क्या चल रही है उसकी सिचुएशन कैसी है तो ऐसे जज नहीं करना चाहिए बट जो वर्ड हम यूज करते हैं हॉस्टिलिटी लिटरली मीन्स अनफ्रेंडलीनेस मेरे को लगता है ये सेशन हमने सुलटा दिया है हैं डे फोर हमारा इसी के साथ खत्म होता है फाइव मिनट्स टू प्रो दैट इज प्रनाउंसिएशन सीरीज का आ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाइक कर देना कमेंट सेक्शन में यार मेरे को रिव्यूज चाहिए मेरे को पक्के पक्के रिव्यू चाहिए हर स्टूडेंट से कि मैम आप कैसा पढ़ा रहे हो आप स्पीड अपनी स्लो रखो फास्ट करो या हमें फैंसी वर्ड्स चाहिए Uh, कैसे वर्ड्स चाहिए या आप धीरे धीरे फैंसी वर्ड्स लाओ या एक ही बार सारे फैंसी वर्ड्स पढ़ा दो तो भाई रिव्यू मांगता है मैं बोल रही हूँ रिव्यू मांगता है मेरे को कमेंट करना है like लाइक करना है सब्सक्राइब तो आपने बच्चा पार्टी ऑलरेडी ये तो मस्ट है सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू एंड हैव नाइस डे अहेड